हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 2647। इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 3629 है और 52 वीक लो इसका 2636 है। हीरो मोटोकॉर्प ये जो कंपनी है इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऐसे ही वर्ल्ड में लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी भी में भी इसको गिना जाता है। ये जो कंपनी है 1984 की कंपनी है और इसके फाउंडर जो है बिरजी मोहन लाल मुंजाल है। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि हम स्टॉक के और भी बहुत सारे डिटेल्स चेक करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। ये जो आप टेक्निकल चार्ट देख रहे हो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्टॉक जो है एक चैनल में चल रहा है। आप यहां पे देख सकते हो ऊपर के साइड में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और नीचे के साइड में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इसी को फॉलिंग वेज भी कहा जाता है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में हमें इसमें गिरावट देखने को मिलती है और नीचे के साइड में नीचे के लाइन पर सपोर्ट लेकर अगेन इसमें हमें ऊपर के साइड में मूवमेंट जाती हुई दिखाई देती है। अभी आप यहाँ पर हमें दो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं। जब भी स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन पर नीचे की सपोर्ट लेगा तो हमें इसमें बाइंग साइड मूवमेंट देखने को मिलती है। अभी जो स्टॉक है यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। अब अगर आप यहाँ से इसको बाय करते हैं तो नीचे के साइड का स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। दोस्तों, अब हम इसमें जो है सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो स्टॉक को जो है नीचे के ट्रेंड लाइन पर पहले आने दीजिए। आने के बाद में अगर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल वन डे की अगर अपसाइड क्लोजिंग देती है तो आप इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हमें उसमें अपसाइड टारगेट्स अच्छी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपसाइड टारगेट कहाँ रखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली इसी लेवल पर हमें इसमें टारगेट रखना होता है। और दोस्तों, स्टॉप लॉस की बात की जाए तो नीचे के ट्रेंड लाइन के नीचे एग्जैक्टली हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके टिकर टेप वेबसाइट पर और चेक करते हैं इसका फोरकास्ट और फाइनेंशियल ट्रेंड और एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड कंपनी का नाम शो करेगा और उसके नीचे जो है उसकी करंट प्राइस शो करेगी। यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। इसका मतलब यह है इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से करंट प्राइस लेस है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात की जाए तो बैंक एफडी रेट से भी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न हमें इसमें जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहां से बाइंग कर सकते हो। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें नो रेड फ्लैग यहां पे शो कर रहा है। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो लास्ट फोर ईयर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। 2018 से लेकर 2021 का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। यहां पे कंपनी की आप ग्रोथ देख सकते हो, प्रॉफिट और रेवेन्यू की तो स्टेबल मोड में यहां पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में हमें इसमें अपसाइड टारगेट्स अच्छी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका फोरकास्ट, हमें एनालिस्ट हमें क्या सलाह दे रहे हैं बाइंग की। यहाँ पे जब भी कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतनी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना होता है। आप यहां पे देख सकते हो 44 एनालिस्ट जो है हमें 52% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह हम यहां से कंसिडर कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें इसमें टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।